वहीं 5 अप्रैल 2024 को पूरे मुल्क में अलविदा है। यह रामजन का आखिरी जुमा होता है, जिसको लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नमाजी जल्द से जल्द मस्जिद पहुंच जाए और इस बात का ध्यान रखे कि सड़कों पर नमाज ना अदा की जाए, साथ ही इससे ट्रैफिक को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने यह एडवाइजरी जारी की है, उस पर अमल करें। 5 अप्रैल 2024 को पूरे मुल्क में इंशाल्लाह अलविदा है और ये रमजान का आखिरी जुमा होता है और जिस दिन की हर रोजेदार की ये कोशिश होता और आरजू तमन्ना होती है कि जल्द से जल्द मस्जिद में पहुंच करके जुमे की नमाज का अहतमाम करें। तो लिहाजा मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर पूरी तरीके से अमल करें और हर नमाजी इस बात की कोशिश करें कि जल्द से जल्द मस्जिदों में पहुंच जाए और इस बात को भी इंश्योर करें कि सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए, जिससे कि ट्रैफिक को या आने जाने वालों को किसी जहमत और परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम अपनी इबादत भी सही तौर पर कर सकें। और इस सिलसिले में सबसे यही अपील है कि अपने और अपने घर वालों के लिए खुसूसी दुआएं करने के साथ साथ अपने मुल्क की तामीर तरक्की और हिफाजत के लिए भी दुआ करें और खुसूसन फिलिस्तीन में अमन अमान और पूरी दुनिया में पीस और शांति के लिए भी खुसूसी दुआएं की जाएं और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जितनी जल्द से जल्द हो वो सदक़े फितर गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, जिससे कि जो गरीब हैं गुरबा हैं वो भी हमारे औलाद के साथ ईद की खुशियां बराबर से मना सके।